हेलो। फाइनली अभी मैं घर से निकला हूँ और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। दो दिन से बारिश रुकी भी नहीं, अभी बारिश हो रही है। अभी थोड़ा कम हुआ तो मैं सोचा अभी निकल लेता हूँ। एक पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। दिल्ली की बारिश है तो थोड़ा मज़े भी ले सकते हैं क्योंकि हमेशा तो मिलती नहीं है। अभी हाईवे के बगल से जा रहा हूँ। अच्छा लगता है जब बारिश में निकलते हैं, हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं, अच्छा फील हो रहा है। बट मुझे लगता है बारिश से मोबाइल पे जो पानी गिर रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कैमरे में डर है। अभी मैं बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में और फिर मैं बहुत से निकल देख कर चलना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह निकल ही रही हैं और मैंने हाथ से फोन ले रखा है। यहाँ क्या होता है, हाथ से फोन ना छीन के राइडर लोग चले जाते हैं लड़के, इसलिए मैंने अभी फोन को कस के पकड़ रखा है कि कोई मेरा फोन छीन ना ले। इसलिए साइड से चलता हूँ। अभी मैंने रोड पार किया है, अभी ऊपर हाईवे इसलिए पार कर रहा हूँ। रोड नीचे से पानी भरा पड़ा है पर अभी मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे दो तीन दरवाजे हैं, मुझे मालूम नहीं था किस साइड से बाहर निकलना है, किस साइड मेट्रो गेट है। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ इसे और स्टेशन जा रहा हूँ। यहाँ का मार्केट है मुनेरका का और काफ़ी अच्छा मार्केट है। मैं थोड़ा सा घूमना है, इधर नहीं है क्योंकि ऊपर आने का है, नीचे जाने का नहीं, इसलिए पैदल ही जाना चल रहे हैं। अभी क्या है कि टोकन को कुछ पता नहीं, टोकन को पता नहीं मिलता है क्या, बट मेरे पास कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, मैं उसकी यूज करूँगा। बैलेंस का पता नहीं है कि मैं उसको रिचार्ज करूँगा। यहाँ पे सही है टेम्परेचर मापे में, फिर हम सैनिटाइज करेंगे वहाँ पे। मैं बैग सैनिटाइज करवा रहा हूँ और कार्ड रिचार्ज करवा मशीन है और बैलेंस चेक करूँगा कितना है। ₹4 दूसरा कार्ड दिखता हूँ, दूसरा कार्ड जाने से मैं चेक करते हुए जाऊंगा। बैग चेक कर चेकिंग किया और अब नीचे जाऊंगा। थोड़ा टाइम लग गया,
क्योंकि चेक कर रहे थे तो मेरे एक पॉकेट में वॉच डली थी, उन्होंने वॉच को देखा, बैग चेक किया तो उसमें मेरा पावर बैंक था, तो उन्होंने वो भी चेक किया। बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, आप कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ देख के तो नहीं जा सकते। मैंने दोनों दिखाए, मैंने आपको बोला होगा ना, निकल के आए। मुझे जाना है ओल्ड फरीदाबाद, तो मुझे पहले कालका जी जाना पड़ेगा, वहाँ से मैं चेंज करूँगा। तो इस प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, प्लेटफॉर्म नंबर एक पे है कालका जी, यह है वॉयलेट लाइन, तो यहाँ से मुझको मिलेगा। स्टेशन कहाँ लिया, कोई भी नहीं है क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम नहीं है, बारिश भी हो रही तो कोई भी निकल नहीं रहेगा, और वैसे भी ऑफिस का टाइम है, कोई नहीं निकलेगा, पूरा स्टेशन खाली है। देख सकते हो एक पैसेंजर है, पीछे साइड जा रहा हूँ, हवा बहुत अच्छी आती है, एसी रहता है तो गर्मी में भी ठंडी है, पसीना बहुत आया। ये देखिए मेट्रो अभी मेरी सीट के अंदर, अच्छा पीछे का सीट थोड़ा खाली मिल जाता है, इसलिए पीछे आया हूँ। गेट खुलेगा अभी, ये थोड़ा सही से गेट नहीं हुआ है, थोड़ा आगे होगा क्योंकि इसके लाइन में अड्रेस थोड़ा ब्रेड ओपन होगा। सामने भी क्या, इसमें डिजिटल है और मेरे को इसमें जाना है, तो मुझे कहाँ उतरना है, दरवाजे दाएं तरफ खुलेंगे, पूरम मुझे यहाँ उतरना है, यहाँ इतना स्टेशन है, तो साथ स्टेशन आया हूँ, गेट खोलते हैं, देख सकते हैं आप कौन होता है। स्टेशन कहाँ ली, वॉयलेट लाइन पे जाना है तो मैं कालका जी से चेंज करूँ, यहाँ से ऑटो लाइन के लिए जैसे कहाँ जाते हैं, एम्स जाते हैं, एम्स शायद एम्स वाली लाइन है, अगर आपको एम्स हॉस्पिटल जाना है, सफदरजंग जाना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अनाउंस किया गया था कि हर कोई ना अपने अपनी सीट पर बैठ सकता है, अलाउड हो गया, फिर भी लोग से डरते हैं, नहीं बैठते हैं। ये मेरा निकले गया है और अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप मेरा है, मैं वहाँ से निकल के चेंज करूँगा, मेरे रेंट ले गया। करते हैं फिर निकलते हैं बाहर, वहाँ से चेंज करते हैं।
हम निकलूंगा यहाँ से। और मुझे वायलेट लाइन पे जाना है, तो अभी मैं ज़मीन के शायद तीन मंजिल नीचे हूँ, यानी कि थर्ड। ऊपर जाऊँगा, वहाँ से चेंज करूँगा, वहाँ से तो चलना है, वहाँ से चलता हूँ सीढ़ियों पे। निकल गया हूँ, जाता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, एकदम पैर दर्द होते हैं। अभी यहाँ पे तो अभी चलना है, एक्सीलेटर है यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा है। बस जिन लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें वायलेट पर टाइम पर जाना है, यहाँ से फुट बने हुए हैं, उनको देखते हुए यहाँ पे तीर है, यहाँ पे जा रहे हैं। बहुत बड़ा मैं दो मंजिल चढ़ के आ रहा था पैदल, और अभी भी चल ही रहा हूँ। अब मैं एक्सीलेटर पे सकता हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा। वैसे किसी को पता नहीं है तो यहाँ पे वायलेट लाइन, वायलेट कलर के ऐसे फुट बने हुए हैं। पैर दिखाता हूँ मैं आपको, तो ऐसे आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे। लिखा भी होता है, जैसे किसी को नहीं मालूम तो फुट को फॉलो करके पहुँच सकते हैं। रोज यहाँ लोग चलते हैं काफी सारे, इसलिए मैंने इसी अलग पट्टे उसकी कितने में बैठ तो सब है। देखिए वीडियो नहीं हो जाएगा क्योंकि दोपहर का टाइम, काफी दूर भी है, पैदल चलना भी पड़ता है। मेट्रो से निकलते ही गर्मी लगने लगती है, तो मेसी है, मेरे को ठंड लगने लगी थी क्योंकि बारिश से साइड देख चुके हैं, गीला तो मिल चुका इस वजह से। स्टेशन के बाहर अच्छा सा गार्डन है, मैं कालगाड़ी मार्केट स्टेशन आ गया हूँ, और मुझे ओल्ड फरीदाबाद जाना है, और ओल्ड फरीदाबाद की शायद लास्ट स्टॉप है राजा नारायण सिंह, तो अभी मैं देखता हूँ राजा नारायण सिंह किस प्लेटफॉर्म पर है, उसी साइड देखता हूँ। ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक राजा नारायण सिंह लिखा हुआ, इसी से मिलेगा मुझे ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो। मेरा मेट्रो आया हुआ, Thank you.
मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ये मेट्रो केवल बदर बॉर्डर तक ही जाएगा। मुझे वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रीन बत्ती आ रहा है वो यानी बदर को ब्लॉक कर रहा है, और अभी मैं हरकेश नगर पहुँच रही हूँ। ये कब आए, पर अभी तक नहीं आया। इस टाइम हो चुका है मिनिमम 10 मिनट। ये देखिए, आज जैसे ही मैंने नाम लिया मेट्रो आ चुका है। ये देखिए पीछे से मेट्रो आता हुआ देखेगा आपको। अब इसी में जाऊँ
Thank you.
है, लेकिन मुझे हाईवे के उस पार जाना है, इसलिए मैं यहाँ से एक एग्जिट कर इसे घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो का सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ है, एक साइड का हाईवे के उस पार साइड वाला नहीं खुला हुआ। एग्जिट करना गाड़ियाँ बहुत चल रही थी, और मुझे मैं रॉन्ग साइड होता था, तो चलाई बहुत चल रही गाड़ियाँ चल रही। तो आपको देखना चाहूँगा, अगर आपको अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना, और दिल्ली मेट्रो पाना खेलना है तो अभी कभी दिल्ली जाए।